आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वेलकम टू मिक्स प्लेट चैनल, ब्यूटीफुल पीपल, यूट्यूब फैमिली। देखिए, आज हम तुरैया बनाएंगे छठे रोज़े की सहरी के लिए। छठे रोज़े की सहरी से पहले मैं ये बना रही हूँ तुरैया। इसमें मैंने 200 ग्राम सरसों का तेल गरम करा है, उसमें 2-4 अदद प्याज लाइट ब्राउन करूँगी और 3 किलो हमारी तुरैया है उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसको मैं तेल में प्याज को और लहसुन को, लहसुन भी काटे हैं 10 से 15 अदद, और ये साबुत मिर्चें हैं 6 अदद तोड़ी हैं और 12 अदद साबुत डालूंगी मैं। जिसको खानी है वो ऐसी साबुत तोड़ के खा लेगा। और ये मैंने इसको प्याज में ही लाल करूंगी, साबुत मिर्च को भी और लहसुन को। तेल में लाइट ब्राउन करना है हमें, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है ब्राउन। अब इसमें मुझे दूसरे मसाले ऐड करने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक है, 1/2 टी स्पून हल्दी है, और कलौंजी और दाना मेथी है 1/2 टी स्पून, पिसा धनिया है 1 टेबल स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टी स्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और हल्का सा मसाला भूनूंगी मैं। और तुरैया मैंने काट के छील के धो के रख ली है, और 3 किलो तुरैया है हमारी, उसी के हिसाब से मैंने ये तमाम मसाला तैयार करा है। और तुरैया पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती हैं, ये देखें मैंने काट के धो के इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये तुरैया पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, और इसी पानी में मैं इन तुरैयों को गलाऊँगी और फिर आखिर में इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये हमारी तैयार हो जाएंगी। अभी मैं इसमें और ऐड करूँगी तुरैया, पहले इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ प्याज को, मसाले को तुरैयों में। तुरैया 3 किलो की तुरैया है ये हमारी, और ये बहुत यमी पकती हैं। इसको रोटी के साथ और पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत ही इजी तरीके से झटपट पकने वाली तुरैया हैं ये। वैसे तो मैंने 2 से 3 रेसिपियाँ तुरैयों की दी है, वो अलग अलग मेथड है उसका, इसका अलग मेथड है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगी। ये स्मॉल साइज़ की 3 अदद केरियाँ भी डाली हैं मैंने इसमें। ये तुरैया हल्की सी मीठी होती हैं, इसलिए इसकी मिठास ख़त्म करने के लिए खटास डालनी ज़रूरी है। इसमें केरी का जायका बेहद अच्छा आता है तुरैयों में, और केरियों का मौसम आ चुका है अब, और दाल में या सब्जियों में, जिस सब्ज़ी में केरी डलती है उसमें डालने तो बहुत अच्छा जायका आता है। कुछ खट्टा कुछ मीठा तुरैयों का जायका, और कुछ स्पाइसी। देखिए हमारी तुरैया तैयार हो गई हैं, और ये मसाला भून रहा है, ये भून ली तुरैया मैंने। देखें तेल अलग नज़र आ रहा है और तुरैया अलग नज़र आ रही है। तुरैया देखें बिल्कुल मैच हो गई मसाले में, और मसाला भी अच्छी तरीके से भून गया है, तुरैया भी गल चुकी है ये हमारी, और हल्का तेल भी नज़र आ रहा है हमारा ये। और ये बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। अब मैं इसको डिश में निकालूंगी, इतनी बड़ी डिश में, ताकि ये आपको नज़र आए आसानी से, कैमरे की आंख से आप इसको देख सकें। और ये खाने में बेहद यमी होती हैं, रोटी और पराठे के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है इसको। और इस तरह 2-3 रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ इससे पहले भी तुरैयों की, वो उसका अलग मेथड था, इसका अलग मेथड है थोड़ा। और ये देखिए मैं इसको, केरी नज़र आ रही है आपको, ये केरी भी अच्छी तरीके से इसमें गल चुकी है। स्मॉल साइज़ की 3 अदद केरियाँ डाली थी मैंने, क्योंकि ये हमारी 3 किलो तुरैयाँ थी, ये पक के देखें थोड़ी सी हो गई है। ये देखिए मैंने डिश में निकाल दी है, इसको डिश आउट कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बेहद पसंद आएगी तुरैयाँ, और एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। साबुत मिर्चें मैंने इसलिए डाली है, जिसको अगर कम मिर्चें खानी है तो वो आसानी से भी खा सकता है, और उसको ज़्यादा मिर्चें खानी है तो इन साबुत मिर्च को तोड़ के खा सकता है। देखिए इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है तुरैयों का, और ये बेहद मज़े की यमी है। मिक्स प्लेट चैनल में इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। देखिए मैं खा के दिखा रही हूँ इसको, एक निवाला मैंने बनाया है इसको, थोड़ी सी केरी और तुरैया लेके रोटी के साथ खाऊंगी, और ये निहायत यमी पकी है। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।